हेलो दोस्तों, जाहुल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास आई है FZ वर्जन 3 और इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम समझाएंगे और गाड़ी की सर्विस करेंगे। देखो सर्विस में किस किस बातों का ध्यान दें। एयर फिल्टर होगा, सबसे पहले एयर फिल्टर को खोल कर क्लीन करें, अगर ख़राब है तो ज़रूरत के अनुसार उसको चेंज करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और देंगे हम आपको। देखो दोस्तों, फिल्टर के नीचे ये छोटा सा पाइप होता है, ये मॉइस्चर पाइप होता है। अगर इसमें मॉइस्चर भर जाता है तो आप इसको खुद भी खोल के साफ़ कर सकते हो, पानी भर जाता है इसमें। ये देखो मॉइस्चर, इसको खोल के साफ़ करेंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें, वरना क्या है एक्सीलेटर जब हम खींचते तो मॉइस्चर बन जाता है अंदर और वो इंजन के अंदर चला जाता है। इसको अच्छे से क्लीन करें, चैन वॉश करें। चैन वॉश करनी बहुत ज़रूरी है। और पीछे का व्हील अगर आपके डिस्पैड है तो डिस्पैड को यहाँ से चेक करें और ज़रूरत के अनुसार इसको चेक करें और सर्विस करें। इसकी ब्रेक ऑयल चेक करें, व्हील चेक कर लें, व्हील हमारा फ्री रहना चाहिए। अगर ब्रेक शू है तो ब्रेक शू को खोल के अंदर कैम की ओलिंग ग्रीसिंग करें, लुब्रिकेंट करें और उस पर पेपर लगाएं। ब्रेक ऑयल चेक करेंगे, उसके बाद हम सर्विस का पूरा तरीका बताएंगे। ब्रेक ऑयल है ये हमारा, ये ब्रेक ऑयल ऊपर तक रहना चाहिए, टॉप अप ये लो है, ये ब्रेक ऑयल को चेक करेंगे। उसके बाद हम इंजन ऑयल निकालेंगे। इंजन ऑयल हमने इसका निकाल लिया है और ऑयल फिल्टर हमने इसका चेंज कर दिया है। जो इसमें इंजन ऑयल डालेंगे दोस्तों, कैस्ट्रोल पावर 1 डालेंगे जो कि 20W50 है। उसके बाद ऑयल को निकलने दें, फिर इंजन ऑयल डालें और ऑयल फिल्टर जरूर चेंज करें इसका। ऑयल फिल्टर चेंज करने से क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी डस्ट होती है ना, फिल्टर खींच लेता है उसको। और फिल्टर को निकालो, सर्विस पर नया डाल दो और नया ही फिल्टर डालो इसमें, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें सर्विस पे। अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, देखो ये फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन को अच्छे से चेक करें। ये बड़े बड़े बोल्ट हैं जितने भी, सब फाउंडेशन है। फाउंडेशन को टाइट करोगे तो आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन कम हो जाएगी और पिकअप अच्छा रहेगा। उसके बाद सर्विस में हम करेंगे इसका स्पार्क प्लग खोल के साफ और प्लग का गैप चेक करेंगे अनुसार। प्लग के गैप आर्क का ब्लेड जो होता है उससे लगा के चेक कर सकते हो आप, कम तो नहीं है ज़्यादा तो नहीं है। और दोस्तों फ्रंट व्हील है ये हमारा, फ्रंट व्हील में हमें क्या करना होता है, ये तो 12 नंबर के बोल्ट है, ये खुलेंगे। उसके बाद हमारा डिस्क कैलिपर बाहर आएगा और इसके डिस्पैड चेक करेंगे हम। डिस्पैड ख़राब होंगे तो चेंज करेंगे और ज़रूरत के अनुसार देखेंगे उसको, अगर सही हुए तो उस पर ही पेपर लगाएंगे और साफ़ करके लगा देंगे। और इसकी जो कैम है, कैम की ग्रीसिंग करेंगे। और सर्विस में दोस्तों क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, देखो ये हमारा एक्सीलेटर है, इसमें प्ले रहनी बहुत ज़रूरी है, फ्री प्ले। अगर फ्री प्ले नहीं रहेगी तो FZ बाइक तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। इसमें देखो प्ले नहीं है ना, प्ले रहनी चाहिए इसमें। हम इसे प्ले करेंगे, यहाँ इसका एडजस्टर है, थोड़े प्ले करेंगे इसमें। और डिस्क ब्रेक ऑयल चेक करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आपको, आप अपनी गाड़ी सेफ रखना चाहते हो और क्लच पेट चाहते हो कि मेरी गाड़ी की क्लच पेट ख़राब ना हो, दोस्तों इसमें प्ले रहनी बहुत ज़रूरी। देखो फ्री प्ले, ये प्ले दिखाई दे रहे, ये थोड़ा लूज रहना चाहिए। देखो ये फ्री रहेगा ना तो आपकी गाड़ी क्लच पेट कभी ख़राब नहीं होगी, ये फ्री रहना चाहिए। टाइट रहेगा तो गाड़ी पिकअप नहीं लेगी और क्लच पेट ख़राब हो जाएगी। ये देखिए पूरी खोल के गाड़ी को हम सर्विस करते हैं, ये CDI है। और दोस्तों हमारी वर्कशॉप पुल पहलापुर में है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये देखिए दुकान हमारी डेकोरेशन कुछ इस तरह से, ये टूल गन वन टोटल हो जा रहे हैं हमारे पास। और अब हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे दोस्तों, इसमें हम कैस्ट्रोल पावर 1 इंजन ऑयल डालेंगे 1 लीटर 20W50। दोस्तों अगर मैं FZ की बात करूँ तो सबसे बेस्ट ऑयल FZ के लिए मुझे यही लगता है। और आप मैकेनिक हो तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं, आप अपनी FZ में कौन सा ऑयल यूज करते हो, FZ वर्जन 3 और कैस्ट्रोल पावर 1। इसे डालते नहीं बाइक बिल्कुल मक्खन हो जाएगी भाई, मक्खन एकदम। और ये होता किस तरह से है इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। ये इसमें सील होती है, सील को आराम से तोड़ेंगे, इसको सील हटाएंगे और एक किप ले लें जिससे कि हम तेल को डालें।
तेल की बात करें दोस्तों, येलो कलर का कुछ इस तरह से होता है तेल। और इधर की बात करें दोस्तों, तो इधर चैन वॉश कर रहे हैं हम। अगर आप चैन सेट की लाइफ चाहते हो तो चैन सेट को हर सर्विस पे वॉश कराएं, डीजल या मिट्टी के तेल से वॉश कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। या वॉशिंग सेंटर जाके इसे खुलवा लो और अच्छे से साबुन से सफाई करवाओ, पानी और साबुन से। देखो चैन सेट सफाई रखना, लुब्रिकेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय समय पे इसे सफाई कराते रहोगे, लुब्रिकेंट कराते रहोगे दोस्तों, आपका चैन सेट 50,000, 60,000, 70,000 किलोमीटर तक आसानी से चलता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो चैन सेट महंगा आता है तो इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, और बाइक की भी दोस्तों। इसकी ज़रूरत अनुसार हम थ्रॉटल बॉडी भी चेक करेंगे इसकी। ये हमारी थ्रॉटल बॉडी, अगर गाड़ी में मिसिंग आती है या आपकी गाड़ी 20,000 से 25,000 किलोमीटर चल जाती है तो इसे खुलवा के ज़रूर सफाई करवाएं। देखो सर्विस में ये छोटे मोटे जितने भी नट बोल्ट है ना, सब चेक कर लो करो भाइयों। देखो ये इसकी लाइट की एडजस्टिंग है, यहाँ से लाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए चैन वॉश हो गई है हमारी, और इसको फटाफट से वॉश कराएंगे और कस्टमर को डिलीवरी करेंगे इसका। दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैंने नंबर दे रखा है अपना, आप पूछ सकते हो कभी भी। या आपकी बाइक कहीं रास्ते बीच में बंद हो जाए, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी सहायता करेंगे हम। ये डिस्पैच बिल्कुल इसके ओके हैं। और गाड़ी दोस्तों जब भी आप कस्टमर को दो, टेस्ट ड्राइव करके दो, एक बार नहीं कम से कम दो बार चला के गाड़ी को तसल्ली से चला के और जब दो। और गाड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, गाड़ी की किलोमीटर की बात करें तो गाड़ी हमारी 22,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके सर्विस में हम इंडिकेटर हॉर्न सब चीज़ चेक करेंगे। हाँ ओके, इसका एक्सीलेटर बहुत हार्ड है, इसको भी देखेंगे, तार खराब है या इसमें क्लियर नहीं है। तो दोस्तों इंडिकेटर हो गए, डीपर लाइट वाइट सब चीज़ चेक करनी चाहिए हमें सर्विस पर। देखो दोस्तों अगर ये फुटपाथ पे लग जाती है गाड़ी या कहीं लग जाती है, ब्रेक पैंडल टेढ़ा हो गया, अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे, तोता प्लास लेंगे और खुद से भी इसको कर सकते हो आसानी से। ये देखो बिल्कुल सीधा हो गया, छोड़ दो, ये देखो भाई बिल्कुल सीधा हो गया है। अगर ज़्यादा अंदर जा रहा है तो हाथ से इसको बाहर खींच सकते हो, बाहर भी खींच दो, हल्का से खींचना है। हाँ जी थोड़ा हल्का हल्का बस। ये देखो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर है। और वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।